and the minimum distance between the curve y square equal to 4x and x square plus y square minus 12x plus 31 equal to 0. एक पैराबोला गिवन है और एक सर्कल गिवन है, इनके मिड की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए। और अगर आप में कई लोगों को याद हो तो ये हमने कैलकुलस में किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने इस टाइप का काम किया हुआ था कि दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या एक कर्व और एक लाइन हो, या दो कर्व हो उनके बीच की, दो लाइन के मिड की डिस्टेंस निकालना तो सबको पता है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल लाइन जो होती है, सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक कर्व हमको गिवन है जो है पैराबोला, और एक है सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इक्वल टू 0। इसका हम पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल देते हैं 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से आ जाएगा g इक्वल टू माइनस 6, f इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 31। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 6, 0 और रेडियस होगी अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये आ गई वैल्यू रूट 5। एक ऐसा सर्कल आ गया जिसका सेंटर 6, 0 है और रेडियस जो है वो रूट 5। अब इन दोनों को डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक हमारे पास ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये हमने लेट कर लिया। ये एक पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दूसरा जो है वो हमारा क्या है, सर्कल, और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 6, 0 है। तो 6, 0 को यहाँ पर ले लेते हैं। ये 0, 0 है सेंटर के कोऑर्डिनेट, और यहीं पर एक सर्कल है रूट 5 का, मतलब 2.2 समथिंग का एक सर्कल हो गया। तो ये एक सर्कल हम एज्यूम कर लेते हैं, ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर 6, 0 है और रेडियस की वैल्यू जो है वो रूट 5 है। ये जो डिस्टेंस है वो रूट 5 है। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वहाँ पर भी बताया गया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पर फिर लिख लेते हैं इसको, और इसको आपको ध्यान रखना है। क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिख लेते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस ऑलवेज अगर शॉर्टर डिस्टेंस ऑलवेज अगर along common normal, दोनों का एक common normal हम देखेंगे और उस common normal से ही हम shorted distance find out कर सकते हैं। तो common normal हमको बनाना पड़ेगा दोनों के लिए। तो देखिए, circle की तो बात आपको पता होगी कि circle का जो normal होता है वो center से pass करता है। ये हमने circle पे normal draw किया और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया पैराबोला पे, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और उसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हो गया। तो ये टेंजेंट हो गई हमारी और ये नॉर्मल हो गया, ये कॉमन नॉर्मल हो गया।
ये सेंटर को हम लेट कर लेते हैं कि ये सी है जिसके कोऑर्डिनेट 6,0 है, ये कोई पॉइंट पी है और यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी सी की वैल्यू कि पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इन दोनों के मिड की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, पैराबोला और सर्कल के मिड की मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, पी क्यू। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी क्यू शॉर्टेड डिस्टेंस कौन सी फाइंड आउट करनी है, पी क्यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब चलिए पी के कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, लेकिन एक बात तो है कि पैराबोला की इक्वेशन पता है, तो हम इसकी इक्वेशन से हम इसके पॉइंट्स को लेट कर ही सकते हैं कि अगर हम वाई की जगह पे वाई वन ले लें, मान लिया इसका वाई की जगह वाई वन ले लो, टी ले लो, कुछ भी ले लो, तो अगर हमने ये वाई की जगह वाई वन लिया है तो एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर बाई फोर है, तो ये हो जाएगा वाई वन स्क्वायर बाई फोर। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी के पता चल गए हैं, पी के पता चल गया है, क्यू के नहीं पता है, तो क्यू की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। अगर हम पी क्यू की डायरेक्ट लेंथ निकाल लें तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो फिर हम पी सी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब पी सी की लेंथ आ जाएगी तो उसमें से सी क्यू को माइनस कर देंगे। सी क्यू क्या है, सर्कल का रेडियस जिसकी वैल्यू रूट फाइव है, तो रूट फाइव माइनस जैसे ही आप करोगे पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होंगे। तो देखिए इस पे जो टेंजेंट हमने ये ड्रॉ की है, ये पी टी एक टेंजेंट है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो पैराबोला तो हमें पता है, इसकी इक्वेशन पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो इसको ज़रा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और जैसे ही टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा तो हम नॉर्मल का स्लोप भी निकाल देंगे, तो वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ गया फोर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई टू अपॉन वाई। एट पॉइंट एक्स वन वाई वन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, तो ये हो जाएगा कितना, टू अपॉन वाई वन। ये किसका है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी ये टेंजेंट का स्लोप है, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन। भाई इसके पहले कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन ही थे, बाद में हमने देखा कि ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करा दिया, तो यहाँ से वाई वन की वैल्यू निकाल दी वाई वन, और एक्स वन की वैल्यू वाई वन स्क्वायर बाई फोर। तो जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस वाई वन अपॉन टू हो जाएगा। अब ये किसका स्लोप आया है, ये अब आपको सोचना है कि ये किसका स्लोप है, और इसका स्लोप तो आ गया माइनस वाई बाय टू, और किसका स्लोप हम देख सकते हैं, क्या हम इसी का स्लोप और किसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये जो पी क्यू नॉर्मल है या पी सी जो नॉर्मल है, पी और सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या हम इससे भी स्लोप निकाल सकते हैं, टू पॉइंट पता है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो क्या हम इससे भी स्लोप निकाल सकते हैं, तो यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, वाई वन एक्स वन और एक्स टू वाई टू दोनों पता है, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो स्लोप ऑफ पी सी जब निकालेंगे आप तो फार्मूला हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वाई टू माइनस वाई वन, तो ये एक्स टू वाई टू है और वो एक्स वन वाई वन है, तो जीरो माइनस वाई वन, जीरो माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस वाई वन स्क्वायर बाई फोर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी तो स्लोप ऑफ पी सी ही है, नॉर्मल का स्लोप ये भी है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे इक्वेट करोगे आप तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई वन बाई टू इक्वल टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस वाई वन स्क्वायर बाई फोर, तो माइनस वाई वन तो कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिक्स माइनस वाई वन स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू टू, सिक्स माइनस टू फोर हो गया,
फोर इक्वल टू वाई वन स्क्वायर बाई फोर, तो वाई वन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो वाई वन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, और वाई वन की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। और देखो यहाँ से एक काम और भी कर सकते हो कि भाई ये हमने जो कट किया है, हमें हमेशा बताया जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में कट मत करो, तो यहाँ पर हम वाई वन की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं कि भाई एक वाई वन की वैल्यू अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि हमने कट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हम कॉमन तो ले ही सकते थे ना, कि भाई वाई वन आ जाता और साथ में 6 माइनस वाई वन बाई फोर इक्वल टू 2 वाई वन, और फिर माइनस करके इक्वल टू 0 करते, वाई वन एक 0 होता और एक दूसरा फैक्टर 0 होता, तो एक वाई वन की वैल्यू 0 भी आएगी। तो 0 0 एक पॉइंट तो 0 0 हो गया। एक पॉइंट जो है वाई वन की वैल्यू जब 4 ली है, तो एक्स वन की वैल्यू क्या होगी? तो इफ़ वाई वन इक्वल टू 4 प्लस 4, तो एक्स वन इक्वल टू है वाई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्या थी एक्स वन की वैल्यू? वाई वन स्क्वायर बाई 4। तो एक्स वन की वैल्यू है, एक्स वन की वैल्यू है वाई वन स्क्वायर बाई 4, तो 16 बाई 4, तो ये 4 हो गए। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 4, और अगर वाई वन की वैल्यू माइनस 4 है, तो एक्स वन की वैल्यू तब भी वाई वन स्क्वायर बाई 4 होगी, तो तब भी ये प्लस का ही आ जाएगा। तो माइनस 4 पे भी 4 देगा और 4 पे भी 4 देने वाला है, तो माइनस 4 पे भी 4 और 4 पर भी 4 होगा। तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये दो क्यों मिल रहे हैं हमको? कौन बताएगा कि ये दो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि भाई जैसा आपने यहाँ किया है, हो सकता है कोई यहाँ कर देता, यहाँ पर भी तो हो सकता था ना, यहाँ पर भी टेंजेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर भी हो सकता था, ये परपेंडिकुलर और टेंजेंट। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट 4, 4 आते और नीचे वाले के कोऑर्डिनेट 4, -4 आ जाते। अब तो बात पता चल गई ना, पी और क्यू की लेंथ कैसे मिलेगी पता चल गई, कि पी के कोऑर्डिनेट पता चल गए, सी के कोऑर्डिनेट पता हो गए। पी के कोऑर्डिनेट है 4, 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 6, 0, तो पी सी की लेंथ आ जाएगी 4 - 6 होल स्क्वायर और 4 - 0 होल स्क्वायर। तो ये 4 हो गया और ये 16 + 4 = 20 हो गया पी सी स्क्वायर की वैल्यू। तो पी सी की वैल्यू आ गई 4 × 5 = 20, तो 2√5 आ गई। बट हमें तो किसकी लेंथ चाहिए? हमें चाहिए पी क्यू की लेंथ। तो पी क्यू कैसे आ जाएगा? पी सी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू सी। तो ये 2√5 इक्वल टू पी क्यू फाइंड आउट करना है प्लस रूट फाइव, तो पी क्यू इक्वल टू रूट फाइव हमारा आंसर है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात? ये ओके। तो ये मेन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, एडवांस में भी आया हुआ है, आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। और ये आपने AOD में किया हुआ है, इसका भी ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हम पहले कर चुके हैं ये। चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं एक और। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लैटिस रेक्टम इज 4 यूनिट, हुज लैटिस रेक्टम इज 4 यूनिट, एक्सिस इज द लाइन, एक्सिस इज द लाइन 3x + 4y - 4 = 0, 3x + 4y - 4 = 0, एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज द लाइन,
फोर एक्स माइनस थ्री वाई, फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर और फोर एक्स माइनस थ्री वाई, एक का स्लोप जो है वो फोर बाई थ्री है और एक का माइनस का थ्री बाई फोर है। दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो देखो एक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये देख लेते हैं। और ये पढ़ चुके हैं, सब लोगों को पता है, कुछ नई चीज़ नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक हेडिंग के तरीके इसको लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये इम्पॉर्टेंट है खास एडवांस के लिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू टू परपेंडिकुलर लाइन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू टू परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। हमने एक कोई पॉइंट P लेट कर लिया, लेट P x कॉमा y इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होती थी वो क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर कोई पॉइंट हमने पैराबोला पे एक्स कॉमा वाई लेट किया है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती थी वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। अब इसको कंसीडर कैसे किया गया होगा, ये देखो ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक ये लाइन हो गई और एक लाइन हमारी ये हो गई, ये 90 डिग्री पे हो गए दोनों। ये पैराबोला हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ये बन गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट हमने पी एक्स कॉमा वाई लेट किए, तो क्या ये लाइन जो है अगर हम यहाँ पर पी लेट कर लाए तो ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया थी एक्स, और ये डिस्टेंस जो है वो वाई है, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई आए होंगे। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसका नाम हमने रख लिया पी एम, और ये डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर है इसका नाम रख लिया पी एन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही है कि पी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई लिए और दो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे कट कर रही थी पैराबोला पे उस पॉइंट पी का नाम हो गया पी एक्स कॉमा वाई। तो वाई को अगर हम लिखना चाहें कि वाई क्या है और एक्स क्या है, तो y को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी एम स्क्वायर, क्योंकि y का नाम पी एम है, इक्वल टू फोर है, और x का नाम है पी एन। तो क्या मैं ऐसे पी एम स्क्वायर इक्वल टू फोर ए टू पी एन लिख सकता हूँ? और अगर मैंने इसको पी एम ऐसे लिख लिया तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस पी एम जो है वो कौन सी डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्सिस इक्वल टू, ये फोर है जो है वो लेटस रेक्टम है, तो इसको लिख देते हैं लेटस रेक्टम मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स, द डिस्टेंस the distance of P from the tangent at its vertex। भाई vertex पे आपने tangent ही तो draw किया है, ये जो y axis है ये आपने vertex पे tangent draw की है, और ये जो x axis है वो axis का काम कर रहा है, तो x एक्सिस जो है वो एक्सिस का काम कर रहा था
और वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है उसका नाम है वाई एक्सिस। तो ये पी एम और पी एल को हमने डिफाइन कर दिया कि पी एम क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्सिस इक्वल टू 4a लैटिस रेक्टम हो गया, और पी एन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पी, पी एन जो है वो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स, फ्रॉम द टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स। इसने किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आप चाहें तो अपने क्वेश्चन में दिमाग लगा सकते हैं, यही काम करना है जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। हमारे पास दो है, एक एक्सिस की इक्वेशन गिवन है और एक उसकी टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। दोनों की परपेंडिकुलर लेंथ हमें देखनी है, वो भी पी एक्स कॉमा वाई से। यही तो था ना हमारा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हूज लैटिस रेक्टम इज 4 यूनिट। तो 4a तो पता चल गया कि 4 यूनिट है। उसके बाद कह रहा है कि जो एक्सिस है उसकी लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x + 4y - 4 = 0, और एक टेंजेंट एट द वर्टेक्स उसकी लाइन की इक्वेशन 4x - 3y, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। कुछ इस टाइप का हम ओरिजिनल तो नहीं बना सकते, लेकिन ये हमने कुछ इस टाइप का बना दिया कि ये हमारा पैराबोला बना हुआ, और यहाँ पर एक वर्टेक्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट हमारी होगी होगी यहाँ से, ये इसको टच करती हुई टेंजेंट होगी, ठीक है, और ये जो है उसका एक्सिस हो जाएगा। इसकी इक्वेशन भी हमारे पास है और इसकी इक्वेशन भी हमारे पास है। इसकी इक्वेशन जो है वो कितनी है, 3x + 4y - 4 = 0, और जो इसकी इक्वेशन है वो कितनी है, 4x - 3y + 7 = 0, और ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ से हमने कोई पॉइंट P कंसीडर करिए जिसके कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब पी एम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर पी एम हो जाएगा और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया पी एल, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और हमारा फॉर्मूला जो भी हमने लिखा था वो पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4a और इंटू पी एल। अभी भी कोई प्रॉब्लम की क्लियर है बात? पी एम क्या होगा, किसी पॉइंट P से परपेंडिकुलर लेंथ इस लाइन पे, तो 3x + 4y - 4 ax1 परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला सबको पता ही है, ax1 + by1 + c / √a² + b² इक्वल टू 4a, और Pn की वैल्यू क्या है, P से n पे परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर है 4x - 3y + 7 = 0, 4x - 3y + 7 डिवाइडेड बाई √4² + 3² ये हो गया 3x + 4y - 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 5 तो आया लेकिन 5 × 5 हो गया ये, और ये 4 × 4x - 3y + 7 डिवाइडेड बाई सिंगल 5, तो 5 से 5 कट कर देते हैं, 3x + 4y - 4 होल स्क्वायर 20 × 4x - 3y + 7। अब
इसके बाद क्या करेंगे, होल स्क्वायर बस ओपन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हो रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। 9x² 16y² + 16 + 4 3 = 24xy 4 4 = 16 2 = 32y 4 3 = 12 2 = 24x - 80x + 60y और -2 7 = 14 140 = 0। तो ये बन गया 9x² + 16y² 24xy। x वाले टर्म 24 और 80 है, तो ये हो गया कितना, -104x। और y वाले टर्म 32 और 60 है तो 28y, और -140 है और 16 है प्लस का, तो ये 124 = 0। और हमको ये भी बताया कि अगर हमें इसको चेक करना होता कि भाई ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कैसे चेक करते हैं, कौन बताएगा कैसे चेक करते हैं इसको? अगर यही इक्वेशन होती और कहता कि चेक करो कि ये पैराबोला की इक्वेशन है कि नहीं है, एच और बी की वैल्यू 0 होती है? नहीं नहीं भाई, यहाँ तो है, दोनों ही है। ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ए की वैल्यू कितनी आई है, 9, और बी की वैल्यू कितनी आई है, 16, और 2h की वैल्यू कितनी आई है, 24, तो h की वैल्यू कितनी आई है, 12। पैराबोला की कंडीशन क्या होती है? अरे भाई कॉनिक्स पढ़ रहे हो तुम लोग? हाँ बिल्कुल, h² = ab। तो ये हो गया, देखो h² निकालोगे यहाँ से तो 144, और ab की वैल्यू निकालोगे तो 16, 9 जा भी 144, h² = ab। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए था, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया और करवाया भी गया ना आपको, किस तरीके से हम चेक करते हैं कि पैराबोला है कि नहीं है, सर्कल है कि एलिप्स है, हाइपरबोला है। इसमें अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर हो गई है बात, तो आगे बढ़े। चलिए तो फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे मल्टी आंसर क्वेश्चन, जो है मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो करेंगे। फॉर द पैराबोला (9x²-24xy + 16y²-20x - 15y - 60 = 0) which of the following? Is R true? तो ये जो केस है ये मोर देन वन का केस है।
ए ऑप्शन में है गिवन फोकस -43/25, -129/100। फोर्टी थ्री बाई ट्वेंटी फाइव 129/100 डायरेक्ट्रिक्स 4x+3y+53/4=0 और इसमें है डायरेक्ट्रिक्स 4x+3y -53/4=0। तो मोर देन वन करेक्ट का केस है, एक से ज़्यादा आंसर। वैसे भी यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा कि दो सेम टाइप के हैं, दो फोकस के आंसर है, दो डायरेक्ट्रिक्स के हैं। तो आपको बताना है इस पैराबोला में ये दोनों में कौन सा फोकस होगा और कौन सा डायरेक्ट्रिक्स का आंसर होगा। देखो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर पैराबोला जो है वो सिंपल पैराबोला नहीं बनने वाला है, ना तो ये y²=4x का बनेगा ना x²=4y। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले टर्म हैं उनको सबको एक साथ दे लेते हैं और बाकी सबको पीछे भेज देंगे, मतलब पीछे का मतलब LHS और RHS में अलग अलग कर लेते हैं। एक टर्म जो स्क्वायर वाला है वो वन साइड, बाकी दूसरे साइड में। और कुछ ये आपके ध्यान में होना चाहिए जो भी हमने ऊपर बातें की थी, ये किसी पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक तरफ पी एम स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी तरफ 4a के साथ पी एन होना चाहिए। पी के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस m और पी के साथ n। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्सिस और लेटस रेक्टम और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स, ये बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने क्या दिया था हमको, उन्होंने लाइन की इक्वेशन दी थी एक्सिस की और टेंजेंट एट द वर्टेक्स दिया था। यहाँ पर हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी थी, ये देखिए पैराबोला की इक्वेशन निकाली थी। अब यहाँ पर ये जो उल्टा चलोगे आप तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर एक तरफ बना है 3x+4y-4 का और उधर जो है पूरी की पूरी लाइन है, तो वही काम यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। पैराबोला दिया हुआ है, अब हमें पहले टेंजेंट और वर्टेक्स ये सब मिल जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह, तो फिर हम फोकस के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे करें। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि 9x² और साथ में कितना 24xy और +16y² इन सबको इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। 20x+15y+16, ठीक है। ये क्या किसी का होल स्क्वायर बन सकता है क्या? ये 3x का होल स्क्वायर है और ये 2×3x×4y लिखा हुआ है और ये 4y का स्क्वायर है और यहाँ से 5 कॉमन है तो 4x+3y+12। तो देखिए ये बन गया 3x-4y का होल स्क्वायर और ये बन गया 5 और ये है 4x+3y+12। यहाँ तक तो बात क्लियर है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट है? कि हमने देखा था कि भाई यहाँ से कोई, अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंथ होनी चाहिए और एक यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ होनी चाहिए, ये पी एम और पी एन। तो परपेंडिकुलर लेंथ के लिए और वो भी यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ax1+by1+c तो है लेकिन √a² + b² नहीं है। तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि √a² + b² दोनों में सेटिस्फाई करें ताकि कुछ pm²=4a×pn का फॉर्म बन जाए। तो देखिए 3x-4y तो है ही है, हमने यहाँ पे √3² + 4² कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 से डिवाइड किया है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर तो 25 से डिवाइड किया, तो 25 से डिवाइड किया है तो 25 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और यहाँ पर 5 टाइम्स 4x+3y+12
होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम? तो ये देखिए, ये 25 जो है ये 5 5 25 से कट हो गया और पूरा बैलेंस होके बन भी गया ये, कि ये बन गया 3x माइनस 4y होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या बन गया, 4x प्लस 3y प्लस 12 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये पी एन स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू pn का फॉर्म देखिए बन गया, है ना, दिख रहा है सभी को? इसको हम लेट कर लेते हैं y, क्योंकि y का ये y लेट कर लेते हैं क्योंकि ये x एक्सिस से डिस्टेंस हो गई तो y हो गई, और दूसरा जो है वो ले लेंगे y एक्सिस से डिस्टेंस। तो 4a इंटू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a और इंटू इसको लेट कर लेते हैं x, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म बन गया। भाई यहाँ पर अभी हमने डायग्राम बनाया, तो pm क्या है, ये x कॉमा वाई अगर है तो ये डिस्टेंस x है और ये y है, तो pm का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म बन गया। यहाँ लिख भी देते हैं, जो है y इक्वल टू हमने क्या लेट किया है, 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 5, और ये कैपिटल x इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर इंटू में 1 दिया हुआ है, तो अगर इसको आप कंपेयर कराओगे इससे तो 4a की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, तो जैसे ही आपने कंपेयर कराया तो 4a इक्वल टू क्या हो गया, 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अब यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अब जब यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो अब हमें क्या निकालना था, डायरेक्ट्रिक्स निकालना था और फोकस निकालना था। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस, और x हमने लेट किया है 4x प्लस 3y प्लस 12 होल डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -a। ये वही है, कैपिटल ए बोलो या स्मॉल ए बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो इसको स्मॉल ए लेट कर लिया, तो ये x इक्वल टू -a, तो ये माइनस और ए की वैल्यू है 1/4। यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू -5/4, तो 4x प्लस 3y और इक्वल टू -12 -5/4, 12 4 जा 48 और 5 53 डिवाइडेड बाय 4, माइनस का ये हो गया, तो 4x प्लस 3y प्लस 53/4 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, तो हमारे पास जो ऑप्शन थे उसमें डायरेक्ट्रिक्स हमको पता चल गया कि सी है 4x प्लस 3y प्लस 53/4 इक्वल टू 0 आ गया। अब आगे की बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स आ गई हमारे पास, अब जरा फोकस बताओ क्या होगा, तो फोकस क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, तो फोकस इज इक्वेशन ऑफ फोकस, कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होगा, वैसे तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अरे भाई सिंपल सा अगर पैराबोला होता तो ये 1,0 होता, ठीक है ना, लेकिन इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव आई है, अच्छा ए की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो 4a की वैल्यू 1 है, ओके ओके तो पॉजिटिव है। तो अब क्या करें, यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लें और कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर
फोकस ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे सोचो। देखो ये तो लिखा है ना ए कॉमा जीरो, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू है और एक वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, ये हमारा जो देते हैं इसको, ये कैपिटल वाई की वैल्यू तो जीरो है और कैपिटल वाई हमारा कितना आया था, फोकस कोऑर्डिनेट तो आएंगे ना ए कॉमा जीरो, तो वाई कितना आया था, फोर थ्री एक्स माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाई फाइव, 3x माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल टू जीरो। तो 3x माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, एक वैल्यू हमारी ये आ गई। अब तुम्हें सोचना है कि फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, सोचो और बताओ कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे। आ जाएंगे फोकस के कोऑर्डिनेट, क्या आ रहे हैं जरा चेक करके बताओ। क्या वो नहीं समझ आ रही, पर बताऊँ मैं, फिर देखिए मैं बता देता हूँ, एक लाइन का काम और बचा था। एक्स की वैल्यू ए के इक्वल है तो एक्स हमने क्या लेट किया था, एक्स हमने लेट किया था फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व अपॉन फाइव, फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व, फोर एक्स प्लस थ्री वाई
प्लस 12/5 इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू है 1/4। ये बार बार मैं कैपिटल में बना रहा हूँ, ये स्मॉल लेटर में हमने ऊपर ही लेट कर लिया, तो इसलिए हमने इसको स्मॉल ए ले लिया। 4 4 जा 16x हो गया, 4 3 जा 12y हो गया, 4 12 4 जा 48 इक्वल टू 5। तो 16x + 12y इक्वल टू 5 - 48। तो 16x + 12y इक्वल टू -43। ये एक इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमारे जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आएंगे वही फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे। तो क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? ये इक्वेशन जो सेकंड है इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16x + 12y इक्वल टू -43। दूसरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9x -3 4 जा 12y इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, 25x इक्वल टू -43। तो x इक्वल टू -43/25। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 3/4x। तो 3/4 × -43/25। y की वैल्यू 3/4x कैसे है, यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू 3x इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू 3/4x। तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 डिवाइडेड बाई 100। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स थे वो भी आ गए हमको -43/25। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, -129/100। ये चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो है वो छोटा वर्जन भी पूछ सकते हैं आपसे, हो सकता है कैलकुलेशन इतना बड़ा ना हो तो, लेकिन टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए तो खासकर ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों टेक्निक का आइडिया आपको ढूंढना चाहिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिख लेते हैं जल्दी से, इंटीजर टाइप है, बड़ा क्वेश्चन होगा थोड़ा। कंसीडर द पैराबोला y² = 8x। लेट Δ1 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, Δ1 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द एंड पॉइंट ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम।
end points of its lattice rectum and the point P1/2,2 on the parabola. And delta B the area of triangle formed by drawing tangents at P and at the end point of lattice rectum. Then delta 1 upon delta 2. Delta 1 upon delta 2 is what? Okay. करें आप इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं इसका. एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो ट्रायंगल के एरिया हमको निकालना है. पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है. दोनों का एरिया अच्छा डेल्टा 1 अपॉन ये डेल्टा 2 है. ओके इसका नाम डेल्टा 2 है. ये वो डेल्टा 1 है ऊपर वाला और ये नीचे डेल्टा 2 है. कंसीडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. ये हमारा पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला हो गया. कंसीडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. लेट डेल्टा 1 बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय द एंड पॉइंट ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम. अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का लैटिस रेक्टम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर दिया तो 4a की वैल्यू आ गई 8, तो a की वैल्यू 2 आ गई. तो लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट li डैश क्या होगा? a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2a, ये तो होंगे ना a कॉमा 2a. तो ये हो गया 2,4 और ये l डैश कितना हो गया 2,-4. तो ये हमारा बन गया l डैश. इसको हम यहाँ से l डैश बना देते हैं. ये l हो गया, ये l डैश, ये 2,4 और ये -2,4. अब यहाँ पर जो है उसने बोला है कि भाई इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है और कोई पॉइंट P भी है जो 1/2,2 है, वो कहीं और लाई कर रहा होगा. तो हमने मान लिया कि वो यहाँ कहीं पर 1/2,2 लाई कर रहा होगा. ये भी इसके भी कोऑर्डिनेट दिए ना 1/2,2 P के कोऑर्डिनेट. तो क्या है डेल्टा बी द एंड पॉइंट ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम एंड डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द एंड पॉइंट ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम एंड पॉइंट पी ऑन द पैराबोला. तो ये पॉइंट पी हो गया. तो यहाँ से एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया, ये ट्रायंगल का एरिया. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट से आ जाएगा. या तो हमें तीनों के कोऑर्डिनेट भी पता है, हम उस तरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे भी निकालो, तीनों के कोऑर्डिनेट पता आ जाएंगे. या ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये 1/2 है और ये 2 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? टोटल ये कितनी है? ये 2,0 है. तो ये हो जाएगी 1/2 में से 2 माइनस कर दो तो 2 माइनस 1/2 कितना हो गया? 4-1 3/2. तो ये 3/2 होगा. और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 4 और 4 8. तो डेल्टा 1 सीधे सीधे आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट. बेस है 3/2 8 और हाइट है 3/2. तो 2 2 4 और 4 2
6 आ गया, ठीक है ना। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाने की जरूरत नहीं, चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो कैसे बनेगा, उसका उसको कहाँ कहाँ पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कह रहा डेल्टा बी द फॉर्म बाय ड्राइंग टेंजेंट एट पी, पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटस एंगल। तो पी पे जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये बन गई टेंजेंट, ये टेंजेंट बन गई पी पे। पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये कहीं यहाँ पर ओरिजिन है ये हमारा, और पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया है और लेटस रेक्टम पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो लेटस रेक्टम पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कहीं यहाँ पर देखिए, ये कुछ ऐसे जा रही होगी ये, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि ये कहीं यहीं पर कट करेगा कि नहीं कट करेगा, तो ये एक प्रॉपर्टी है आपको पता होनी चाहिए, और नहीं भी पता तो भी काम चल जाएगा। देखो कैसे, अभी बताता हूँ कैसे पता चलेगा हमको। जब हम ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, और जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो सिमेट्रिकली हमको आइडिया हो जाएगा कि ये यहीं बनने वाली है और यहीं पर कट करेगी। वैसे ये डायरेक्ट्रिक्स पे ही कट करेगी ऑन एक्स एक्सिस पे -2,0 पे। अगर इसकी नेमिंग कर दें हम, ये तो एल एल डैश था, इसका नाम रख लेते हैं क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट -2,0 होते हैं। ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, लिख लेते हैं ये। और मैं इसको डिराइव भी कर देता हूँ कैसे आया, टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मीट्स ऑन एक्स एक्सिस एट -2,0। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, देखिए ये हम एल पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट एल, एल पे निकालते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 2,4 है, और इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। पॉइंट फॉर्म में हमने क्या पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, वाई इंटू वाई वन, तो ये एक्स वन ये वाई वन, तो वाई इंटू वाई वन इक्वल टू 8x प्लस एक्स वन अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट किया और ये 4 कट हो गया, तो एक लाइन बन गई वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। और दूसरी लाइन जब एल डैश पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे आप तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इंटू 4 इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2, और वो भी किसका, x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि ये माइनस 2 आएगा। y y 1 इक्वल टू 2a x प्लस एक्स 1, तो ये y से ये 2 4 जा और ये, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, x माइनस 2। देखो यही आएगी कि माइनस एक्स माइनस टू क्या आएगी यहाँ पे, ये 2,-4 है, ओके 2,-4 है ये। तो अब इसको ज़रा फिर से सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, वाई इंटू वाई वन, वाई वन की वैल्यू -4 8x प्लस एक्स वन अपॉन 2, तो ये 2 4 जा 8 और ये 4, तो वाई की वैल्यू माइनस एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आएगा, तो -x -2 हो गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो देखो ये दोनों को जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन 1 और 2 को तो वही पॉइंट मिलने वाला है, दोनों को ऐड किया तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, x और x कट हो गया और ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू 0 आ गई, और जब y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो देखो पॉइंट हमको पहले ही पता चल गया था कि -2,0, अगर प्रॉपर्टी याद है तो, ये हमने जो डायरेक्ट यहाँ क्यू के कोऑर्डिनेट लिखे ना, ये क्यों -2,0, तो ये सिर्फ बताया गया है, ये हमें निकालने की ज़रूरत वैसे थी नहीं।
ठीक है, तो ये माइनस टू कॉमा जीरो बन गया। अब जो क्वेश्चन उन्होंने बोला हुआ है वो क्या था, उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये जो इसमें टेंजेंट ड्रॉ, हमें कौन सा डेल्टा टू कौन सा ट्रायंगल है हमारा, जो ट्रायंगल का एरिया डेल्टा वन था वो तो समझ में आ गया, जो रिक्वायर्ड दूसरा वाला है वो कौन सा है। तो दूसरा ट्रायंगल जो हमारा बनेगा वो ये वाला है जिसका एरिया डेल्टा टू है। हम इस पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे थे, ये तो हमने क्यू फाइंड आउट किया था, अभी अभी हमको ये दोनों पॉइंट और फाइंड आउट करने हैं। एक ये जो है इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं आर, जो ये टेंजेंट और ये जो लाइन है टेंजेंट है जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ना एल एल डैश पे, जो टेंजेंट एल क्यू ड्रॉ की है, और एक यहाँ पर जो कट करेगा एस, इस ट्रायंगल का एरिया भी हमें निकालना है। ये ट्रायंगल, इसका एरिया है डेल्टा टू। अब बताओ इसका इस आर और एस के पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, ये कौन बताएगा आर और एस के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट तो मिल गए, इसी का एरिया है डेल्टा टू, जो ये ब्लैक से हमने डिनोट किया इसका एरिया है डेल्टा टू, ये कैसे मिलेगा। तो ये पी पे टेंजेंट ड्रॉ की गई, ये पॉइंट हमारा थोड़ा छूट गया, ये पॉइंट पी है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं वन बाई टू कॉमा टू से, और फिर वो देख लेंगे कि वो टेंजेंट इस लाइन को कहाँ कट कर रही है और ये जो दूसरी टेंजेंट है इसको कहाँ पे कट कर रही है, तो हमें आर और एस के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट पी, और पी के कोऑर्डिनेट है वन बाई टू कॉमा टू, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स है, तो वाई बाई वन एट एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, तो ये टू फोर जा हो गया और ये हाँ बिल्कुल सही है, वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन आ गई। अब ये जो वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन आई है ये कौन कौन सी लाइन को कट कर रही है, एक इस लाइन को कट कर रही है जिसकी इक्वेशन हमने भी निकाली थी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, और एक इस लाइन को भी कट कर रही है जिसकी इक्वेशन मैंने निकाली वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, तो बस इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दोगे तो आर और एस भी आ जाएगा। एक ये लाइन हो गई और एक लाइन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, और एक ये लाइन वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन और वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, वन टू तो हम पहले ही लेट कर चुके थे, ये थ्री हो गई, और इसको इसके साथ फोर के साथ सॉल्व करते हैं, इसको थ्री को फाइव के साथ सॉल्व। अच्छा वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू का नाम वन है तो इसका नाम वन ही रहने देते हैं, बार बार क्यों चेंज करना। तो थ्री और वन को सॉल्व कर लेते हैं और थ्री और टू को सॉल्व कर लेते हैं, ये थ्री बन गई और ये वन, ये थ्री और ये टू को, तो इसको सॉल्व करो आप, तो y की जगह पे x प्लस टू इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स माइनस एक्स एक्स, तो ये x की वैल्यू वन आ गई और y की वैल्यू x प्लस टू है, तो x प्लस टू का मतलब वन प्लस टू, यानी y की वैल्यू क्या आ गई थ्री। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट आ गए, s के कोऑर्डिनेट आ गए, जो s कोऑर्डिनेट है कौन सा, s आएगा कि r आएगा, r आएगा, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट आया ना y, तो r के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, ये r है ना पॉइंट ऊपर वाला नीचे वाला s है, r के कोऑर्डिनेट मिल गए हमको वन कॉमा थ्री। अब जरा साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं तो s आ जाएगा, तो इनको जब सॉल्व किया थ्री और टू को तो माइनस एक्स माइनस टू टू एक्स प्लस वन, तो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट आ गया है इसके माइनस वन बाई थ्री कॉमा, एक मिनट ये टू और वन थ्री हो गया, ये तो वन आ गया। ओके भाई इसको टू एक्स को x के साथ लेगा, ये माइनस थ्री हो गया तो x की वैल्यू माइनस वन आएगी ना, तो x की वैल्यू माइनस वन आ गई, और y कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना है हमारा, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, तो माइनस एक्स का मतलब वन माइनस टू, तो y की वैल्यू भी माइनस वन, तो s के कोऑर्डिनेट माइनस वन माइनस वन। अब डेल्टा टू जो है वो एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जी हाँ बिल्कुल सही है, आंसर टू आ जाएगा, q r और s का एरिया, q
x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो हमें डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 चाहिए, तो डेल्टा 1 6 आया था और डेल्टा 2 3, तो ये 2 इंटीजर टाइप में हमारा आंसर आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, इसके बारे में बता दूँ, ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया, ये एडवांस 2011 का ही क्वेश्चन था ये। पहले नहीं बताया, डरावना हो जाता है। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले टर्म में। ओके।